सो विराट कोहली का फेवरेट स्मार्ट वॉच अपने पास आ चुका है। इसका नाम है फायरबोल्ट निंजा कॉल 2। मुझे पता है भाई, मेरे तरह तुम लोग भी बहुत कंफ्यूज हो गए हो। ये फायरबोल्ट वालों ने इतना निंजा वॉच निकाला है भाई, निंजा एसेसन कर दिया है। मूवी देखी और निंजा एसेसन भाई, बहुत सेक्सी मूवी, देख एक बार देख लियो। क्या हुआ, नहीं देखिए, कंटेंट नहीं दे रहा मैं तेरे को भाई, कंटेंट दे रहा भाई। अपने पास यहाँ पे दो कलर से, पहला वाला है ग्रीन कलर का और ये है ग्रे कलर। एक अनबॉक्स करते हैं और एक आपको दे देंगे गिवअवे में। और भाई वीडियो में बने रहना, रूल्स बता दिया जाएगा। सो फिर नेलकटर वाले अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। आज थोड़ा टेढ़े माल से अनबॉक्स करेंगे। बॉक्स से चारों तरफ फीचर्स लिख दिए गए। हार्ट रेट सेंसर मिल जाएगा आपको, ब्लूटूथ कॉलिंग है और आजकल ब्लूटूथ कॉलिंग वाले वॉच बहुत ज्यादा आ रहे हैं, मतलब कुछ ज्यादा ही आ रहे हैं अब तो। वाटरप्रूफ है, इनबिल्ट गेम मिल जाएगा आपको, वो गेम्स दिखाएंगे आपको। 10 दिन की बैटरी लाइफ मिल जाएगी। SPO2 27 स्पोर्ट्स मोड और म्यूजिक प्लेयर भी है, मतलब वही नॉर्मल फीचर्स है। वो भाई यहाँ प्राइसिंग 8,000 लिखी हुई है, लेकिन एक्चुअल में लॉन्च प्राइस इसकी 3,000 रुपए है। देखते हैं कितना वर्थ है ये। सबसे पहले आपको एक पुस्तक मिल जाएगी, विराट भैया मस्त चमक रहे हैं। वॉच अपनी गिर गई अंदर, लेकिन कोई बात नहीं, उसको उठा देंगे हम लोग। तो ये है निंजा 2 और निंजा वाला कलर भी है इसमें ग्रीन ग्रीन। और यहाँ पे इसका पोगो पिन वाला चार्जर मिल जाएगा। प्राइस पे ये वाला चार्जर मिलता है और हमेशा की तरह फायरबोल्ट्स के खूब सारे ऑफर मिल जाएंगे और इसके अंदर एक साल की वारंटी मिल जाएगी आपको। और क्या क्या है, थीम गाना फॉलो कर लो। और क्या, कॉन्ग्रेचुलेशन यू हैव वन द एक्सक्लूसिव बोल्ट ऐप मेंबरशिप, जिम मिलेगा आपके अंदर। तो अपना फेवरेट काम कर लेते हैं। ओ भाई, वेट तो काफी सही लग रहा है इसका, थोड़ा ज्यादा ही वेट है। कॉलिंग वॉच है, लेफ्ट साइड में आपको स्पीकर मिल जाएगा, राइट साइड में माइक्रोफोन है और एक बटन है। पीछे से ग्लास बॉडी भाई, और इस प्राइस पॉइंट पे अच्छी बात है कि ग्लास बॉडी मिल रही है आपको। फर्स्ट इंप्रेशन में क्वालिटी काफी अच्छी लग रही है। एक बार इसका होल्डिंग टेस्ट कर लेते हैं, एवरेज है। वॉच को ऑन करने के लिए आपको इसको एक बार थोड़ा शॉक देना पड़ेगा। वॉच ऑन हो गई, बैटरी इसकी लो है, थोड़ा चार्ज कर लेते हैं, इसके बाद बात करते हैं इसके बारे में। सो बात करते हैं निंजा कॉल वॉच 2 के बारे में। हम लोग पास दो कलर है यहाँ पे, एक है ग्रीन कलर, ये दूसरा है सिल्वर कलर। ये भाई देखने में पर्सनली मुझे काफी ज्यादा सही से लगा। यहाँ पे आपको एक ब्लू कलर मिल जाएगा, एक रेड मिल जाएगा और ऑल ब्लैक मिल जाएगा। तो आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हो। लेकिन अगर बात करते हैं बिल्ड क्वालिटी के बारे में, यहाँ पे बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया है। पूरा एक मेटालिक फ्रेम है, ये काफी भारी सा लगता है। और भाई आवाज देख रहे हो, जितनी ज्यादा तेज आवाज उतना अच्छा बिल्ड क्वालिटी। दोस्तों स्ट्रैप की क्वालिटी के बारे में बात करें, डेफिनेटली सॉफ्ट और अच्छी क्वालिटी है यहाँ पे, और लॉन्ग ड्यूरेशन में आप आराम से पहन सकते हो, कोई भी इशू नहीं होगा। और ये जो लॉक बकल है, ये भी भाई मेटालिक है। इस बार फायरबोल्ट थोड़ा सा अलग यूआई लेके आया है। अगर आप राइट स्वाइप करोगे तो यहाँ पे स्प्लिट स्क्रीन खुल जाता है, एक ऑप्शन टॉगल कर सकते हो, जैसे कि हार्ट रेट मेजर करना। आप क्लिक करो यहाँ पे और यहाँ पे बीपीएम स्टार्ट हो जाएगा मेजर करना। और हार्ट रेट देख ही रहे, तो थोड़ा सा प्रोफेशनल्स की हेल्प ले लेते हैं, ऑक्सीमीटर लगा लेते हैं। ऑक्सीमीटर में 82 आया अपना, अपने वॉच में 80-81 के अराउंड आ रहा है। काफी ज्यादा एक्यूरेट है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। और इस बार थोड़ा सा यूआई में चेंज आया, एक्स्ट्रा आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल रहा है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम किया फायरबोल्ट ने आप कह सकते हो। और जब आप लेफ्ट स्वाइप करते हो तो आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो क्या आपको देखना है। जैसे कॉम्पोनेंट के अंदर आपको यहाँ मिलेगा स्लिप ट्रैकिंग, एक्टिविटी, हार्ट रेट, स्लीप, वेदर, हर चीज। और हम लोग भी अपना सेट कर लेते हैं थोड़ा सा। इसके अंदर तीन अलग अलग गेम्स मिलेंगे इस बार आपको। ये 2048 क्या देखते हैं, ये क्या है भाई, करना क्या होता है इसमें। हाँ, लेकिन 2 में 2 मिला दिया, 4 में 4 मिला दिया, 8 में 8 मिला देते हैं दोस्तों, 4 में 4 अगेन, 2 में 2, 4 में 4, 8 में 8, 16 में 16। मजाक नहीं, अच्छा टाइम पास गेम है। और भाई वॉच की परफॉर्मेंस भी बहुत ही अच्छी है, और मैं तो लिटरली चैंपियन बन गया हूँ। आप भी चैंपियन बन सकते हो, सोचो खरीद के। दूसरा वाला गेम भी खेल लेते हैं। ओ भाई, ये तो वही बचपन की यादें ताज़ा करने वाला वॉच है। भाई भाग भाग, म्यूजिक नहीं, म्यूजिक होता तो और मजा आ जाता, परफॉर्मेंस भी एकदम नेक्स्ट लेवल है भाई, एकदम सही से काम कर रहा है। थर्ड वाला यंग बर्ड तो सबने देखा होगा, बहुत ही पॉपुलर गेम था, कभी और खेलेंगे। तो वॉच की प्रॉपर टेस्टिंग करने के लिए हम आउटडोर में आ चुके हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसके डिस्प्ले के बारे में। अभी हम लोगों ने ब्लैक वॉल पर लगा रखा है इसका, और अभी ये ब्राइटनेस फुल पे है और कम्प्लीटली आराम से विजिबल है ये। एक बार प्रेशन होल्ड करते हैं और वॉच फेस चेंज करते हैं इसका। जैसे कि ये कलरफुल वॉच फेस है और मैं यहाँ से देख रहा हूँ बहुत ही प्रॉपरली आराम से विजिबल है। अगर ब्राइटनेस इसकी थोड़ी सी कम करते हैं, ये लोवेस्ट ब्राइटनेस है और यहाँ पे डेफिनेटली उतना अच्छे से विजिबल नहीं है वॉच। 50% पे आराम से विजिबल है ये, और 100% पे एकदम मक्खन दिखता है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। लेकिन अगर बात की जाए थोड़े बहुत ट्रैकिंग की, तो भाई थोड़ा सा दौड़ भाग लिया जाए। ये वाले बटन दबाने से आपको मेन्यू खुल जाता है, और ये रहा इसके अंदर स्पोर्ट्स मोड, तो थोड़ा सा रनिंग वाला स्पोर्ट्स मोड ऑन कर लेते हैं।
और तोड़ लिया चाय। वॉच की यूआई में आपको लाइव हार्ट रेट दिखाएगा, कैलोरीज बर्न दिखाएगा, स्टेप्स दिखाएगा। हार्ट रेट काफी एक्यूरेट है भाई, बहुत बोल रहे हैं तो बढ़ा हुआ है। 20 स्टेप्स हो गए, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 32, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105 स्टेप्स हुआ इसके अंदर। 101 हार्ट रेट काफी ज्यादा बढ़ा हुआ है क्योंकि मैं थोड़ा थक गया हूँ दौड़ के भाई। स्टेप्स इसने काफी एक्यूरेट काउंट किया है। स्टॉप कर देते हैं इसको। वैसे वॉच के अंदर जो मेन्यू है भाई काफी क्रेजी लगता है देखने में, अच्छा खासा रिस्पॉन्सिव भी है और मजा भी आता है भाई इसको। इसके अंदर ये मेडिटेशन वाला फीचर है, सो थोड़ा सा मेडिटेट भी कर लेते हैं। ना जो ब्रीद वाला फीचर है काफी सही काम करता है, क्योंकि जब भी एक्सहेल और इनहेल के बारे में बोलता है इसमें हल्का सा वाइब्रेशन आता है जिससे आप आग बंद करके सच में मेडिटेट कर पाओगे। इतना सारा एक्सरसाइज करके थोड़ा थक चुके हैं, थोड़ा सा साफ सफाई भी कर लेते हैं। अपनी साफ सफाई नहीं, वॉच की साफ सफाई की बात कर रहे थे हम लोग, क्योंकि इसके अंदर भाई IP67 की रेटिंग्स है जिससे आप आराम से इसको लेके स्विमिंग पूल में कूद सकते। लो बजट स्विमिंग पूल का भी और दिखाएंगे आपको, अभी के लिए पानी को वेस्ट नहीं होने देंगे दोस्तों। तो सारी मजाक की बात साइड में, एक्चुअल में काफी ज्यादा अच्छा मेजरमेंट है इसका और बहुत ही एक्यूरेट रहता है। लाइफ ट्रैकिंग भी बहुत ही इंप्रेसिव है। सो इस प्राइस पॉइंट पे जितने भी लोग फिटनेस फ्रीक हैं और एक्यूरेट मेजरमेंट के लिए वॉच देख रहे हैं तो इस वाले वॉच को आप डेफिनेटली एक अच्छा ऑप्शन कंसिडर कर सकते हो। अगर हाईलाइटिंग फीचर की बात करें इस वाले वॉच की, तो भाई कॉलिंग वॉलिंग कर सकता है और कॉलिंग के लिए ब्लूटूथ से कनेक्ट करना पड़ता है। एक बार से कॉलिंग में चले जाते हैं और कॉलिंग में यहाँ पे आपको रिसेंट कॉल्स, डायल पैड और कॉन्टैक्ट्स दिख जाएंगे और ये कॉन्टैक्ट्स यहाँ पे सिंक कर लेता है। एप्लीकेशन में आपको फेवरेट कॉन्टैक्ट्स मिल जाते हैं, यहाँ से आप ऐड कर सकते हो जाके और यही चीज सिंक होकर आपके वॉच पे आ जाता है। तो एक बार टैप करते हैं, वरुण को कॉल लगाते हैं, वॉल्यूम बढ़ा लेते हैं। हाँ भाई क्या हाल है? अच्छा एडिट कर रहे हो ना तुम, एक सेकंड रुक जाओ, डिस्टर्ब नहीं करें, शांति रखो, चुप रहो एक मिनट। यहाँ पे फुल वॉल्यूम, ये एक्चुअल एक्सपीरियंस देते हैं आपको। कॉल टेस्ट कर रहे हैं एक बार हम लोग। तो अभी जो आवाज सुन रहे हो ये है निंजा कॉलिंग 2 की माइक्रोफोन से आवाज रिकॉर्ड होकर जा रही है और उस फोन में कैसे सुनाई दे रहा है आपको समझ में आ चुका होगा। इसका कॉलिंग स्पीड हमने ट्राई कर रखा है। सबसे पहले बात, वॉल्यूम इसमें काफी प्रॉपर है। बस कुछ बोल के दिखाना। मैं क्यों बोलूं, इसमें मेरा क्या फायदा, मुझे क्या मिल रहा है भाई? सब्सक्राइब करवाते यार प्लीज, बहुत कम सब्सक्राइबर्स। अच्छा ऐसा, कमीशन भिजवाओ जल्दी से एक पेटी। मजाक के बाद साइड में, अबे फोन रख दिया इसने भाई। तो जब आपके सामने से कॉल आता है तो कुछ ऐसे जो है देखने को मिलेगा आपको। डेफिनेटली यहाँ पे कॉलिंग एक्सपीरियंस काफी अच्छा है और प्रॉपरली आप आराम से बात कर सकते हो। लेकिन अगर बात करते हैं बैटरी लाइफ की, तो भाई ये वॉच को चार्ज होने में ऑलमोस्ट 1 घंटा 20 मिनट लगेगा और ये चल जाएगा 5 दिन अगर आप कॉलिंग ऑन रखते हो तो। लेकिन मेरे हिसाब से अगर इसकी बैटरी 3 दिन में चलती कॉलिंग फीचर ऑन करके तो भी बहुत ही प्रॉपर है, क्योंकि इस प्राइस पॉइंट पे हमने सारे कॉलिंग वॉच टेस्ट कर रखे और बैटरी उसकी थोड़ी सी कम होती है क्योंकि वॉच का स्पीकर और माइक्रोफोन दोनों यूज होता है। द फिट एप्लीकेशन इसे आप कनेक्ट करोगे, डिस्कवर मोर के अंदर जाके आप दुनिया भर के बहुत सारे वॉच फेसेस एक्सेस कर सकते हो। तो एक वॉच फेस लगा के देखते हैं कितना टाइम लगता है इसमें। एप्पल वॉच का सस्ता कॉपी लगा लेते हैं एक बार। डाउनलोड करता है ये, पहले डाउनलोड करेगा, अपडेट होना शुरू हो चुका है और काफी फास्ट भी है भाई। ओके, और अपना वॉच फेस लग चुका है और वॉच के अंदर आपको यहाँ पे कस्टम वॉच फेस का भी ऑप्शन मिलता है। काफी प्रोफेशनल फोटो निकाल लेते हैं अपनी, डन, और टाइम के पोजीशन को कर देते हैं नीचे और कलर को व्हाइट कर देते हैं और इसको कर देते हैं सेव। इस वाले वॉच को आप मिनी स्पीकर बना सकते हो जब भी आप ब्लूटूथ से कनेक्ट करते हो इसको और अपने मोबाइल में कोई गाना चलाते हैं। ओ भाई यहाँ पे इसका स्पीकर है, यहीं से आवाज आ रही काफी अच्छी। वॉल्यूम कम कर रहे हैं, क्वालिटी सच में उतनी अच्छी नहीं है लेकिन भाई काम अच्छा कर रहा है। लेकिन वॉच का जो म्यूजिक प्लेयर है इसके अंदर एक इशू है, जब आप गाना चला रहे हो तो आप यहाँ से पॉज कर सकते हो, ठीक है? जब पॉज करते हैं पॉज का एनिमेशन नहीं आ रहा, वाइब्रेट जरूर कर रहा है, हैप्टिक जरूर आ रहा है इसका, लेकिन ये प्ले नहीं कर पा रहा है। नेक्स्ट टाइम प्रीवियस काम कर रहा है लेकिन ये पॉज एंड प्ले का बटन काम नहीं कर रहा है। एक बार पॉज हुआ तब मोबाइल से प्ले करना पड़ेगा, वियर्ड है थोड़ा सा। ये एक बग है जो कि फिक्स हो सकता है। और अगर बात करते हैं गिव अवे के बारे में, तो गिव अवे का रूल बहुत ही सिंपल तरीके का है। इस वाले वीडियो को लाइक कर देना, चैनल सब सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन को ऑन कर लेना, कमेंट में आप कुछ भी लिख सकते हो और इंस्टा पे फॉलो कर लेना क्योंकि इंस्टा पे इसका गिव अवे रिजल्ट आएगा, तो भाई वहां पे स्टे ट्यून कर लेना। और भाई
प्लीज जीतने के बाद रिप्लाई कर दे करो, बहुत लोग रिप्लाई नहीं करते। सो अगर कंपाइल करें इस वाले वॉच को, डेफिनेटली भाई 3000 रुपये के हिसाब से एक बहुत ही अच्छा वॉच है। लेकिन अगर आप हमारा कूपन कोड यूज करोगे थोड़ा सा आपको और डिस्काउंट मिल जाएगा, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। से जितने भी फीचर्स है काफी अच्छा काम कर रहे हैं, सिवाय म्यूजिक कंट्रोल के वहाँ पर थोड़ा सा और अच्छा काम किया जा सकता है और एक अपडेट के बाद फिक्स हो सकता है वो। लेकिन काफी एक्यूरेट है, डिस्प्ले काफी अच्छा है इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से, और जो कॉलिंग का फीचर है वो भी अच्छे से काम कर रहा है। सो डेफिनेटली एक ऑलराउंडर वॉच है, और इस प्राइस पॉइंट पे जो बिल्ड क्वालिटी मिल रही है आपको ना, वो बिल्ड क्वालिटी आपको एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वॉच बना देती है इसको। और अगर आप इस प्राइस पॉइंट पे एक अच्छा कॉलिंग वॉच ढूंढ रहे हो, फायरबोल्ट निंजा कॉलिंग 2 को आप ले सकते हो और डेफिनेटली कोई भी इशू नहीं होगा, बस थोड़ा सा बग है जो कि आपको उन्होंने बता दिया। इस वाले वीडियो के लिए इतने रखते हैं, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आ गया होगा। पसंद आता तो इस वाले वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं फॉर मोर ऑसम टेक कंटेंट। मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद।